जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शिवरात्रि की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी के वन में एक बहेलिया भील रहता था। वह बलवान और हिंसक था। महाशिवरात्रि के दिन वह परिवार के भोजन की तलाश में धनुष लेकर शिकार के लिए वन में विचरने लगा। देवलोक से उस दिन कुछ शिकार नहीं मिला। अब वह सोचने लगा, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, घर वाले भूख से व्याकुल होंगे, बच्चों की क्या दशा होगी, कुछ तो लेकर ही घर जाना चाहिए। वह जलाशय के समीप जाके बैठ गया। उसने मन में विचार किया कि रात्रि में कोई ना कोई जीव अवश्य ही पानी पीने आएगा, उसे मैं मार कर घर ले जाऊंगा। वह किनारे पर स्थित विलप वृक्ष पर चढ़ गया। पानी पीने के लिए कमर में बंधी तुम्बी से जल भर कर बैठ गया। भूख प्यास से व्याकुल वह शिकार की तलाश में बैठा रहा। रात्रि के प्रथम प्रहर में एक प्यासी हिरनी आई। उसे देखकर भील बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत धनुष बाण चढ़ाया तो उसके हाथ में कुछ विलक पत्र टूट कर वह पानी की तुम्बी से जल नीचे गिर गया। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग विराजमान था। रात्रि में गिरा विलप पत्र व जल से प्रथम प्रहर की शिव पूजा संपन्न हो गई। सरसराहट की ध्वनि से हिरणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। बहेलिया को देखते ही मृत्यु के भय से व्याकुल होकर वह बोली कि व्याघ, तुम क्या चाहते हो? व्याघ ने कहा, मेरे कुटुंब के लोग की भूख तुमको मार कर उनकी भूख मिटाऊंगा। हिरणी बोली, भील, मेरे मांस से तुम्हारे परिवार की भूख मिटेगी? इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अच्छा पुण्य का कार्य भला क्या हो सकता है? परंतु इस समय मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे हैं। मैं उन्हें अपनी बहन व स्वामी को सौंप कर लौट आऊँगी। हिरणी की शपथ खाने पर व्यार्क ने उसे छोड़ दिया। दूसरे व तीसरे प्रहर के समय हिरणी की बहन व स्वामी उसे ढूंढते हुए उसी जगह पर आ गए और पहले की तरह विलप पत्र शिवलिंग पर चढ़े और दूसरे व तीसरे प्रहर की पूजा भील से अपने आप ही संपन्न हो गई। महन व स्वामी को भी भील ने सुबह आने की प्रतिज्ञा कर छोड़ दिया। मृग हिरणी सभी अपने स्थान पर मिले। तीनों प्रतिज्ञा बंद थे, अतः तीनों भील के पास जाने की हट करने लगे। अतः उन्होंने बच्चों को अपने पड़ोसियों के पास सौंपा और तीनों चल दिए। उन्हें जाते हुए देखकर बच्चे भी भागकर पीछे पीछे चल दिए। उन सबको एक साथ आते हुए देखकर ब्यार्ग को अति हर्ष हुआ। उसने तरकश से बाण खींचा जिससे पुनः जल व बिलप पत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार चौथे प्रहार की पूजा भी संपन्न हो गई। रात्रि भर ब्यार्ग शिकार की चिंता में भूखा प्यासा जागता रहा। चारों प्रहार की पूजा अपने आप हो गई। उस दिन शिवरात्रि थी जिसके प्रभाव से ब्यार्ग के संपूर्ण पाप तत्काल नष्ट हो गए। इतने में हिरणी का पूरा परिवार बोला, ब्यार्ग शिरोमणे, हम सब अपना वादा निभाते हुए आप तक वापस आ गए हैं। कृपया हमारा जीवन सार्थक करो और अपने परिवार को तर्प करो। भील को बड़ा विस्मय हुआ। ये मर्द ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, परोपकारी है और प्रतिज्ञा पालक है। मैं मनुष्य होकर भी हिंसा, हत्या और पाप कर अपने कुटुंब का पालन करता रहा। मैंने जीव हत्या कर उधर पूर्ति की, अतः मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। भील ने बाण को रोक लिया और श्रेष्ठ मार्गो, तुम सब जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। भील ने ऐसा कहते ही भगवान शंकर साक्षात लिंग से प्रकट हुए और उसके शरीर पर स्पर्श कर प्रेम से कहा कि वत्स वर मांगो। भील ने कहा, देव, मैंने सब कुछ पा लिया। ये कहते हुए भील उनके चरण में गिर पड़ा। शिवजी ने प्रसन्न होकर उसका गुह नाम रख दिया और वरदान दिया कि भगवान राम एक दिन अवश्य ही तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। वही वार
शंगवेरपुर में मिक्षाद राजगुह बना दिया, जिसने भगवान राम का आतिथ्य किया। वे सब मर्ग भगवान शंकर का दर्शन कर मृग योनि से मुक्त हो गए। शाप मुक्त होकर विमान से दिव्य धाम को चले गए। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।